नौजवानों, आज आपको बताया जा रहा है कि देश के दुश्मन कैसे पैदा होते हैं। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे और बुरे। बुराई कहाँ से पैदा होती है, सबसे पहले हमें ये सोचना है। बुराई पैदा होती है हिंसा से, और हिंसा कहाँ से पैदा होती है, आज हम उन थोड़े से कारणों को देखेंगे। सबसे पहले, जब इंसान पैदा होता है तो उसे किसी चीज की भी कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। वो एक तरह से अज्ञानी होता है, अनपढ़ होता है, अंधकार स्वरूप होता है। उसे यदि कुछ कुछ भी शिक्षा ना दी जाए तो वो कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए हमारे पैदा करने वाले, हमारे माता-पिता, हमारे सबसे पहले गुरु हैं। जो हमें कुछ भी बनाते हैं तो हम वही बनते हैं। यदि माँ बाप हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं गलियों में, कूचों में, तो उनसे पैदा होते हैं चोर, लुटेरे, डाकू, आतंकवादी, दुनिया भर में बुरा काम करने वाले लोग। यदि माता-पिता बच्चों के गुरु बनते हैं तो सबसे पहले उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को सबसे पहले क्या कर्म करने चाहिए, क्या देश व समाज में वह कैसे उन्नति करें, पहले अपनी उन्नति कैसे करें, फिर समाज की उन्नति कैसे करें, फिर देश की उन्नति कैसे करें, सबसे पहले हमें माता-पिता सिखाते हैं। उसके बाद हमारे गुरुजन सिखाते हैं, पढ़ाने वाले गुरुजन, शिक्षा देने वाले गुरुजन, ज्ञान देने वाले गुरुजन हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। योग दर्शन में भी हम पढ़ते हैं यम और नियम। यम का प्रथम वाक्य ही है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग। किसी भी जंतु से या किसी भी मनुष्य से वैर विरोध ना करना, अर्थात किसी को भी ठगी लूट मार ना करना, किसी से धोखा ना करना और किसी का हक ना मारना, और जैसा हम सोचते हैं अपने लिए अच्छा, औरों के लिए भी अच्छा सोचना। जैसा हम अपनी उन्नति चाहते हैं, जैसी हम अपनी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही औरों की उन्नति सोचना, यह है सभ्य समाज की अच्छी सोच, जिसे अहिंसा पद्धति कहते हैं। अहिंसक तरीके से जीना बहुत ही सरल है और हिंसक प्रवृत्ति में जीना बहुत ही दुष्कर कार्य है। उसकी आखिरी मंजिल जेल खाना है। जैसे बहुत क्रोधी लोग किसी भी आवेश में आकर के हत्या कर डालते हैं, या मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, डाके मारते हैं, तो उनकी आखिरी मंजिल जेल होती है। उसकी दूसरी प्रवृत्ति है अहिंसा। हमें अहिंसा की ओर मुड़ना होगा, हमें सच्चाई की ओर मुड़ना होगा, हमें ईमानदारी की तरफ मुड़ना होगा। तब तभी हम देश की कुछ सेवा कर सकते हैं, तभी हम कुछ बन सकते हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा ही बनेंगे, बुरा सोचेंगे बुरा ही बनेंगे। इसलिए मेरी नौजवानों से यही प्रार्थना है कि यदि अज्ञान से बचना है, बुराइयों से बचना है, तो कम से कम ईश्वरीय प्रार्थना जरूरी है। ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। इसी सद्भावना के साथ सबको मेरा प्रणाम।